तो दोस्तों, अगर आपके भी मोबाइल स्क्रीन में ब्लैक एंड व्हाइट की प्रॉब्लम आ रही है, आपके मोबाइल की स्क्रीन है जो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, ग्रे कलर की हो चुकी है, उसमें कोई कलर नहीं आ रहे, तो दोस्तों आप एक छोटी सी सेटिंग है जिसे आप ऑफ करके इसे सही कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मोबाइल में बाई चांस ये सेटिंग ऑन हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम आने लगती है, डिस्प्ले की प्रॉब्लम है वो आने लगती है, स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, जो भी कलर होते हैं वो सब चले जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो स्क्रीन मोबाइल की ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, आप यहाँ पे कहीं भी देखेंगे तो कोई कलर नहीं है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे आप छोटी सी सेटिंग से आप इसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे आपको एक सेटिंग सर्च करनी है, डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। ये आपके मोबाइल में कहीं ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो आप इसे थोड़ा सर्च कर ले। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल है, आपको डिजिटल वेलबिंग पे टैप करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे ये सेटिंग ऑन हो जाएगी। आप इसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो बेड टाइम मोड है यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे टैप करना है और आपको इसे ऑफ कर देना है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ का बटन है, आपको इसे ऑफ पे टैप करना है। तो आप इसे ऑफ कर देंगे और ये ग्रे स्केल है आप इसे भी बंद कर देंगे। तो उसके बाद आप इसे देखेंगे तो जो ब्लैक एंड वाइट की प्रॉब्लम है आपके मोबाइल में से वो चली गई है। तो दोस्तों आप देखेंगे मोबाइल की स्क्रीन में जो कलर है वो वापस आ चुके हैं, बस ये उसी सेटिंग के कारण ये मोबाइल में स्क्रीन की प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन हो जाती है। और फिर भी कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।